स्वागत है दोस्तों आज के ब्रांड न्यू वोकैब वीडियो स्टाइलिश संडे में। आज हम लोग सीखेंगे स्टाइल, एटीट्यूड और बिहेवियर से रिलेटेड वर्ड्स के बारे में, और साथ ही साथ आज हम लोग विष्णु भगवान के 11वें अवतार के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं आज का अपना पैराग्राफ। नियर द एंड ऑफ कलयुग पीपल विल फ्रेंटिकली सर्च फॉर लव एंड पीस, दे विल कंट्राइट फॉर देयर स्प्लर्जिंग बिहेवियर टुवर्ड्स नेचर। देन लॉर्ड कल्कि, अ प्लकी वॉरियर ऑन व्हाइट हॉर्स, विल अपीयर एज अ विजिलांटी टू कंट्रोल द रैम्पेंट इविल एंड विल रिस्टोर पीस एंड हार्मनी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आज का हमारा वर्ड है फ्रेंटिकली, कंट्राइट, स्प्लर्जिंग, प्लकी एंड रैम्पेंट। हमारा सबसे पहला वर्ड है फ्रेंटिकली। इसका इंग्लिश मीनिंग होता है इन अ हरीड, डिसऑर्गेनाइज और एक्साइटेड मैनर ड्यू टू फियर और एंग्जाइटी। तो मतलब हड़बड़ी या एक्साइटेड मैनर में, या वो भय के कारण हो या चिंता के कारण कोई काम करना। इसका हिंदी में एक देख सकते हैं पागलपन। इसका ओरिजिन वर्ड है एक ओल्ड इंग्लिश वर्ड फ्रेंटिक, जिसका मतलब होता है अत्यधिक उत्साह की वजह से अफेक्ट होना। इसका रूट वर्ड जो है वो फ्रेंटिक, जिसका मतलब होता है पागलपन, इंसेन। इसमें जो सफिक्स यूज हुआ है वाई, वो क्रिया विशेषण बनाने के काम आता है। इसका सिनोनिम है डेस्परेट या फ्रेंजिड, एंटोनिम है प्लेसिडली या कामली। एग्जाम्पल से समझते हैं। आफ्टर द अनाउंसमेंट ऑफ लॉकडाउन पीपल स्टार्टेड बाइंग राशंस फ्रेंटिकली। तो लॉकडाउन अनाउंस होने के जस्ट बाद लोग पागलों की तरह राशन खरीदने लगे। देखिए राशन इतना खरीदा गया, ये पूरा मार्केट खाली, पूरा सारे रैक्स खाली हो गए। बिलीविंग ऑन फेक न्यूज पीपल रश्ड टू देयर होम टाउन फ्रेंटिकली। तो फेक न्यूज के कारण लोग अपने घर की ओर बढ़ने लगे पागलों की तरह। देखिए कितने बड़ी संख्या में मजदूर लोग पलायन कर रहे हैं। हमारा अगला वर्ड है कंट्राइट। कंट्राइट का इंग्लिश मीनिंग होता है फीलिंग और एक्सप्रेसिंग रिमोर्स एट द रिकॉग्निशन दैट वन हैज डन रॉन्ग। इसका मतलब गलती का एहसास हो जाने के बाद जो पश्चाताप की फीलिंग आती है, उसके लिए वर्ड है कंट्राइट। इसका हिंदी मीनिंग होता है दुखी या पश्चाताप। इसका ओरिजिन वर्ड है एक लैटिन वर्ड थेरेरे, जिसका मतलब होता है रब यानी घिसना। इसका जो रूट वर्ड है वो है ट्राइट। ट्राइट मतलब होता है वियर एंड टियर यानी कटना और फटना। इसमें जो प्रीफिक्स यूज हुआ है वो है कॉन। कॉन का मतलब होता है टुगेदर, साथ में। इसका सिनोनिम है सॉरी या रिमोर्सफुल। इसमें जो एंटोनिम यूज हुआ है वो है डिफाइंट या रिपेंटेंट। कॉन्ट्राइट का एग्जाम्पल देखते हैं। मर्सी शुड बी गिवन टू द कॉन्ट्राइट इफ इट्स जेन्युइन। तो जो लोग पश्चातापी हैं, जो पश्चाताप करना चाहते हैं और सच्चे दिल से करना चाहते हैं, उन्हें दया उन पे दया दिखाने की जरूरत होती है। और बिफोर हिज लास्ट ब्रेथ रावणा वॉज कॉन्ट्राइट टू राम। तो अपने आखिरी सांस के समय राम रावण जो था राम के समक्ष पश्चातापी था। हमारा अगला वर्ड है स्प्लर्जिंग या स्प्लर्ज। स्प्लर्ज का इंग्लिश मीनिंग होता है एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी फ्रीली यानी अत्यधिक धन खर्च करना, डींग मारना या धूमधाम से कुछ भी करना जिसमें दिखावा किया गया हो। इसका जो जो ओरिजिन है वो दो वर्ड से मिलके बना है। पहला वर्ड है स्प्लैश, जिसका मतलब होता है छलकना, और सर्ज, जिसका मतलब होता है बढ़ोतरी होना। तो इतना बढ़ रहा है कि छलक रहा है, इतना शो ऑफ हो रहा है एकदम। तो इसमें जो इसका जो सिनोनिम है वो है एक्स्ट्रावेजेंट या सेलिब्रेट। इसका एंटोनिम है होर्ड यानी छिपाना, या सेव यानी सेव करके रखना, बचा कर रखना। एग्जाम्पल से देखते हैं। राजू स्प्लर्ज्ड ऑल हिज मनी इन लक्ष्मी चिटफंड कंपनी टू अर्न लॉट्स ऑफ मनी। तो राजू ने अपने सारे पैसे डींग मारने के लिए लक्ष्मी चिटफंड कंपनी में जमा कर दिए ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सके। इंडियंस स्प्लर्ज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इन वेडिंग्स। तो भारतीय जो होते हैं शादियों में बहुत बड़ा पैसा खर्च करते हैं दिखावे के लिए। हमारा अगला वर्ड है प्लकी। प्लकी का इंग्लिश मीनिंग होता है शोइंग डिटर्मिंड करेज टू फेस डिफिकल्टीज, एक दृढ़ निश्चय दिखाना, हिम्मत दिखाना किसी भी समस्या को सामना करने के लिए।
इसका हिंदी मीनिंग होता है हिम्मती, साहसी या वीर। इसका ओरिजिन वर्ड जो है, बहुत सारे इंग्लिश वर्ड्स हैं जैसे प्लकून, प्लचन, प्लाचन, जिसका सबका मतलब एक ही होता है, टीयर यानी फाड़ना या पुल अवे या पीछे खींचना। इसका जो रूट वर्ड है वह प्लक, जिसका मतलब होता है रिमूव यानी निकालना, या एक्सट्रैक्ट यानी बाहर निकालना। ये रिमूव मतलब हटाना, एक्सट्रैक्ट मतलब बाहर निकालना। इसमें जो सफिक्स यूज हुआ है वाई, वो विशेषण बनाने के काम आता है। और इसका सिनोनिम है करेजियस, इंट्रेपिड। इसका एंटोनिम है टिमिड या टिमरस। एग्जाम्पल्स देखते हैं। द प्लकी यंगस्टर मैनेज्ड टू किक द थीफ ऑन हिज लेग। ये देखिए कैसे, ये बहादुर बच्चा है जो चोर के पैर पे हमला करने में सफल रहा। द प्लकी एंड हार्ड वर्किंग लेबरर डिमांडेड फुल सैलरी बिफोर हॉलीडेज। ये देखिए, ये बहादुर लेबरर्स जो हैं अपना फुल सैलरी का डिमांड करते हैं छुट्टियों से पहले। हमारा अगला हाइलाइटेड वर्ड है विजिलांती। ये वर्ड मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, उसके जो आप यहाँ आई बटन से देख सकते हैं। उसके अलावा इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। हमारा लास्ट, आज का लास्ट वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का इंग्लिश मीनिंग होता है ग्रोइंग अनकंट्रोल्ड, मतलब अनियंत्रित तरीके से बढ़ना। हिंदी में इसका मीनिंग होता है अनियंत्रित या प्र। इसका ओरिजिन एक फ्रेंच वर्ड है रैम्पर, मीनिंग क्रॉलिंग, जिसका मतलब रेंगना होता है। इसका सिनोनिम है अनकंट्रोल्ड, अनहैम्पर्ड। तो आप ध्यान से देखेंगे तो अगर आप जो इसमें प्रीफिक्स लगा है इनके सिनोनिम्स में हटा दें जो यू एन सफिक्स है, तो रैम्पेंट के एंटोनिम्स हो जाएंगे कंट्रोल्ड, हैम्पर्ड और उसके अलावा ब्राइडल्ड, कर्व्ड। एग्जाम्पल से समझते हैं। द रैम्पेंट कोविड-19 केसेस आर अ ग्रेव कंसर्न फॉर इंडिया। तो अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहे कोविड-19 केसेस भारत के लिए गंभीर चिंता, ग्रेव कंसर्न का विषय है। द रैम्पेंट पॉपुलेशन ग्रोथ विल क्रिएट मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहे जनसंख्या बड़ी मात्रा में, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट, बड़ी मात्रा में बेरोजगारी पैदा करेगी। नियर द एंड ऑफ कलयुग, कलयुग के अंत समय में, पीपल विल फ्रेंटिकली सर्च फॉर लव एंड पीस। लोग प्यार और शांति को पागलों की तरह खोजेंगे। दे विल कंट्राइट फॉर देयर, वो पश्चाताप करेंगे फॉर देयर स्प्लर्जिंग बिहेवियर टुवर्ड्स नेचर। तो जो उन्होंने अंधाधुन प्रकृति का इस्तेमाल किया है दिखावे के लिए, उसके प्रति वो पश्चाताप करेंगे। देन लॉर्ड कल्कि, तब भगवान कल्कि, अ प्लकी वॉरियर ऑन व्हाइट हॉर्स, और एक सफेद घोड़े पे सवार हिम्मती योद्धा, विल अपीयर एज अ विजिलांटी, प्रकट होंगे एक रखवाले के रूप में, रक्षक के रूप में, टू कंट्रोल द रैम्पेंट एविल। तो जो बुराई जो फैली होगी, अधर्म जो फैला होगा, जो अनियंत्रित तरीके से बढ़ रहा होगा, उसको कंट्रोल करेंगे। एंड विल रिस्टोर पीस एंड हार्मनी, और शांति और सौहार्द वापस रिस्टोर करेंगे। तो ये था कहानी विष्णु भगवान के 11वें अवतार की। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल काइजन टेक 8 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।